मैग्निफिकेशन फार्मूला is equal to minus u of one minus n and n magnification formula h dash by h is equal to m or n minus v by u sahi hai now itni baat hum logon ne dekh li ab dekhiye ki find nature of image ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो पहला केस है माइनस टू प्लस टू प्लस वन माइनस वन ठीक है प्लस वन माइनस 0.5 प्लस 0.5 जी जीरो सारी चीजें तो हमारा जो पहला केस है एक एक से पूछेंगे तो फिर हमें पता भी चल जाएगा सृष्टि yes, तो पहला केस बताओ सर नेचर ऑफ इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड हाँ और टाइप ऑफ मिरर है कॉन्केव हाँ और डिस्टेंस इमेज ऑफ समझना नहीं है समझ कैसे सकती हो दूसरा तुमने मेरा फार्मूला सीखा नहीं है तुम कैसे समझ जाओ देखो हमें क्या क्या चीजें चाहिए यहाँ लिखो मैग्निफिकेशन और यहाँ लिखो दैट इज नेचर ऑफ इमेज नेचर ऑफ इमेज फिर उसके बाद क्या लिखो टाइप ऑफ मिरर टाइप ऑफ मिरर फिर लिखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और फिर उसके लिखो आगे लिखो फिगर या वे डायग्राम अब जरा देखिए सही ओके नाउ मैग्निफिकेशन नेचर ऑफ मिरर टाइप ऑफ मिरर पोजीशन एंड रे डायग्राम तो पहला है माइनस टू है तो नेचर ऑफ इमेज साक्षी बताओ बहुत अच्छा प्रवीण हाँ बहुत अच्छी बात हाँ सो दैट इज मैग्नीफाइड टू से क्या पता चलता है मैग्नीफाइड है और माइनस से क्या पता चलता है रियल एंड इन्वर्टेड ईशान टाइप ऑफ मिरर कॉन्केव ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बहुत अच्छी बात है तो पोजीशन यहाँ देख लो ये मिरर है और यहाँ पर ये सी है और ये क्या है यहाँ पर अगर तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया है तो ध्रुवांशी इसकी इमेज कहाँ बनेगी इसकी सी के पीछे बड़ी बनेगी कि छोटी बड़ी बनेगी बड़ी बनेगी तो बना दी बड़ी तो क्या डबल साइज की बना सकते हैं ना बड़ी तो बनी रहेगी टू साइज की और तो डिस्टेंस पूछा गया तो डिस्टेंस उन्होंने बता दिया ना सी और एफ के बीच में पोजीशन अच्छा बिटवीन सी एंड एफ कौन सा मिरर है उल्टी इमेज कौन बनाता है पता लगाना पड़ता है क्या आपको कौन बता के देगा बच्ची तो यही बनाता है कॉन्केव से पालोगे स्कूटी में उल्टी ट्रक देखी है क्या या ऐसे
प्लेन मिरर में भी देखोगी उल्टी अपनी में तो भाग जाओगी। अब देखो, सो प्लस टू, नया प्लस टू के बारे में बताओ। मैग्निफाइड वर्चुअल एंड डायरेक्ट, कुछ और बातें बताओ यहाँ क्या लिखे हैं। रुक जाना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ बहुत कोई बात नहीं। हाँ ना रुक जाओ, कॉनकेव कहाँ रखा जाए बोलो, थोड़ा लोगों से पता तो चले कि क्या जानते हैं। तो इसे कहाँ रखें कि हमको, ये सी है ये एफ है, तो यहाँ रख दें तो कहाँ पे बनेगी, आईब्रो बड़ी दिखेगी क्या डबल साइज की, और सीधी दिखेगी तो ये ऐसे बन जाएगी कि नहीं, टॉर्टर ही बना ना, तो कहाँ रखी गई है, सी और एफ और पी के बीच। बहुत अच्छी बात है, बिटवीन एफ एंड पी। सृष्टि थर्ड का आंसर बताइए, यदि मान लीजिए माइनस वन है तो, पहले तो नेचर बताओ, रियल एंड इनवर्टेड और सेम साइज। बहुत अच्छी बात है, सेम साइज रियल एंड इनवर्टेड। नाउ एकलव्य टाइप ऑफ मिरर बताइए, कॉनकेव। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, सी पे, जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर हम सी पे रख दें तो सी पे रखने पे क्या होगा, उतने ही साइज की पलट के मिल जाएगी क्या। देखो सी है और ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट एट सी फोर प्लस वन, यस सेम साइज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। हाँ बहुत अच्छी बात, ये प्रभावी रहा, प्लेन मिरर और बहुत बड़ी बात है, सी भी हो सकता है, नई जानकारी। हाँ बोलो, एनीवेयर कहीं पर भी रखो, तो इसका इमेज कैसी बनेगी, यहाँ ऐसी बन जाएगी कि नहीं। वो एक क्लास छोड़ने से कितना फर्क पड़ जाता है, अभिषेक प्लेन मिरर में कितनी बेसिक गलती कर रहा है, तो इसलिए क्लास नहीं मिस करना, ठीक है। अब हम देखें माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 के बारे में यशिका बताएंगी। रियल एंड इनवर्टेड, और बोलो कॉनकेव, और बोलिए शुक्रिया। जुआंशी बताना क्या था, सौम्या, इसे कहाँ रखना चाहिए, दैट इज सी है और ये एफ है, अगर मैं यहाँ रख दूं सौम्या तो बोलो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ, क्या ये छोटी होगी, क्या ये उल्टी होगी, तो माइनस 0.5 हुआ कि नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये क्या हुई इमेज। ए बी को ऑब्जेक्ट से दिखाते हैं और ए डैश बी डैश को इमेज से दिखाते हैं, समझ आई बात, तो ये ए हुआ और ये क्या हुआ ए डैश, यहाँ पे क्या हुआ बताओ, सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट है तो ये भी हुआ और ये ए डैश, जो ऐसा ना लिखना चाहे वो एच और एच डैश से भी दिखा सकते,
अच्छा नाउ दिव्यांगी, क्या आप मुझे बताएंगे प्लस 0.55 के बारे में आपका क्या ख्याल है? डिमिनिश होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बोलो। और इनफिनिटी, मेरा तो बताएं। कॉन्वेक्स और इनफिनिटी से को बोलो, इनफिनिटी से बोल तक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनफिनिटी टू पोल। और अगर मान लो ये कॉन्वेक्स हमने बना दिया, तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी यहाँ का इमेज मिल जाएगी छोटी सी, सही है? ओके नाउ अब देखें सेवन, जीरो तो कैसी होगी? पॉइंट साइज होगी, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है ना, माइनस नस है ना, तो ये चीज डैश हो जाएगी, क्योंकि हमारे दो केसेस हैं। एक तो क्या है कि इंफिनिटी से रे आ रही है, तो वो अपीयर टू गेट डाइवर्ज फ्रॉम हियर, और यहाँ पर भी क्या होगी, ऐसे हो जाएगी कि नहीं? और दूसरा क्या केस है, ये तो ये यहाँ पर बन जाएगी एफ पे, और दूसरा क्या है, ऐसा केस, तो यहाँ आ रही है, तो माइनस जीरो का तो कोई मतलब होता नहीं है कि रियल और इन्वर्टेड, ये ऐसे चली आएगी, ऐसे में ये दोनों आई, ये वापस चली गई, और ये आने वाली ऐसे चली गई, तीनों यहाँ मिली कि नहीं, ये भी तो पॉइंट साइज है। तो ऐसी स्थिति में हमें टाइप ऑफ मिरर क्या लिख देना चाहिए? ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव कुछ भी हो सकता है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और फिर इसके बाद आपको ये जो दो डायग्राम है वही यहाँ बना दें। करना नहीं है, आप बस इसमें एग्जीक्यूट करें। डायग्राम अरे बनाया, छोटे छोटे डायग्राम बनाइए, दोनों आगे पीछे हो जाए। कुछ लाइट के बारे में पढ़ा है कि नहीं? Thank you.
चलो बात की लोग जमा करो आगे देखें। चलिए सो ये बात की गई है पहले में कि एफ निगेटिव है। एफ निगेटिव का क्या मतलब होता है? एफ निगेटिव है तो कॉन्केव होगा ना, क्योंकि उसके लेफ्ट में एफ है। लेफ्ट में फोकल लेंथ कहाँ होती है? सो ये जैसे ये है, अब आप देख लो ऐसा है, कह रहा है कि एफ तो निगेटिव है तो ये कैपिटल एफ है, इसका डबल ले लो तो सी हो जाएगा। और यही क्या 10 सेंटीमीटर है, चेक करो 10 सेंटीमीटर कौन से यहाँ तक की डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? यहाँ सी एंड एफ के बीच में, यानी ठीक बीचों बीच रखा है। और इसकी साइज कितनी है? फोर सेंटीमीटर है नहीं? अच्छा, इससे जो रे सीधी जाएगी तो वो कहाँ से गुजर जाएगी बताओ? द रे विच फॉल्स पैरेलल, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। काफी चीजें आपको मालूम है ना बेटा मनीष? हाँ, तो जो पैदल जाती है वो फोकस से जाती है ना, क्योंकि यहाँ से अगर सी से, सी तो इसका सेंटर है ना इस स्क्वायर का, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो अगर आप देखोगे तो वो जहाँ जाएगी फोकस ही तो जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम इधर ध्यान दो, तो सी से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो इक्वल एंगल है कि नहीं? तो जो रे पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा कहाँ से पास होगी? क्योंकि सी से अगर परपेंडिकुलर डालो तो है इक्वल कि नहीं? सी से सेंटर से तो परपेंडिकुलर पड़ता है किसी सरफेस पे। और दूसरी चीज, एक रे आप कहाँ ले लो? फोकस से या पोल, फोकस से ले लो या पोल से ले लो, तो पोल से लिया तो उसी एंगल पर अगर तुम्हारी रे जा रही है तो वो ऐसे चली जाएगी, वो जहाँ मिलेगी वो क्या होगा? इतनी बात हो गई? तो ये तो हो गया रे डायग्राम, दिस इज रे डायग्राम। अब देखो, तो हमें कई चीजें पता करनी है यूजिंग मिरर फार्मूला। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लिखो 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी मैं इसकी डिस्टेंस नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी डिस्टेंस तो जब मैं पता कर लूंगा तब लिखूंगा ना, तो अभी इसकी डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क पे रखूं। और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, वो भी तो क्वेश्चन मार्क में रखूं। ओके, नाउ अर्पिता जमा करो। नाउ यूजिंग मिरर फार्मूला, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल्स टू, तो 1 बाई बी और इसे कितना लिख देना चाहिए, और 1 बाई एफ तो उसे भी कितना लिख दे, माइनस 10, 1 बाई बी और माइनस 1 बाई 15, ये इसके साथ ही चला जाए। देख लो जो साइन है वो बीच में भी आ सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, इसको स्वतंत्रता है। और साथ में जब ये माइनस बीच में आ जाएगा तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस आ गया कि नहीं? दैट इट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 10। अब ये माइनस उधर ले जाओ
तो बताइए वन बाई वी क्या हो गया, प्लस वन बाई फिफ्टीन। अब इन दोनों का एलसीएम दिया जाए तो 15 का टेबल पढ़ो, 15 वन इज 15, 15 टू इज 30, दोनों कॉमन हो गए कि नहीं, तो 30 लिखिए। अब 10 थ्री जा 30, तो माइनस दिया गया, माइनस भी लगा दो और प्लस। तो रेडाइग्राम बनाते हो क्या? रेडाइग्राम बनाना, ये देखो, तो इससे कितना आ गया, माइनस वन बाई 30 आ गया। ये किसकी वैल्यू है, 1 by v की। तो अगर पलट दो इन्वर्टिंग, तो v कितना हो गया, माइनस 30 सेंटीमीटर। इससे क्या पता चल रहा है, क्या हमें v पता चल चुका है? हाँ। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, बोलो आप बताओ, 13 से रेडियस ऑफ कर्वेचर तो और ये यहाँ क्या लिखते हैं मनीष, दैट इज माइनस 30, बट डिस्टेंस इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं क्या ठीक बीच में नहीं हुआ, यू कितना है, तो बीच में दिखाया बिल्कुल हमने, और बीच में होगा तो बियॉन्ड सी बनेगा, तो मैंने सीधी वाली अब से गुजार दी, और यहाँ वाली है नहीं तो यहाँ बना। अब तक मैंने ये शिफ्ट कर दिया है v की वैल्यू, अभी मुझे h शिफ्ट करना है कि नहीं, u और v पता चल चुके हैं, अब मैग्निफिकेशन फार्मूला लगाओ। नाउ दैट इज m क्या होता है, माइनस v बाय u, माइनस v बाय u कर लो पहले, तो मैग्निफिकेशन भी पता चल जाएगा। तो v कितना है बताओ, माइनस 15 टू आया, यदि m -2 है, तो इससे तुम क्या समझते हो, इमेज का नेचर क्या हुआ, इमेज का नेचर ये ठीक है, सो इमेज is real and inverted and enlarged, it is formed, देख लो इस सेंटेंस के बहुत नंबर हैं, it is formed in front of mirror at 30 centimeter from pole, इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा, it is formed ये दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, पोल से इतनी दूरी, सो इट इज फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल इन फ्रंट ऑफ मिरर। इससे हमने मैग्निफिकेशन भी निकाल लिया, तो ये भी हाईलाइट कर दो भाई, हमने मैग्निफिकेशन निकाल लिया। अब बात आती है क्या, जो m होता है वो h डैश बाई h भी होता है और माइनस v बाई u होता है, तो चाहे इसी से निकाल लो, अब उसकी जरूरत नहीं, उससे ये निकालो से, तो बोलो m क्या होता है, h डैश बाई h, ये माइनस 2 है और h डैश तो पता नहीं है, और ये 4 सेंटीमीटर क्या प्लस का है, ये इधर ले जाओ तो माइनस 8 हो गया h डैश, तो इमेज उल्टी बन रही, तो वैसे भी प्रिंसिपल एक्सिस की चीज नीचे लोगे तो हैं लिखेंगे यहाँ 8 सेंटीमीटर, बट वहाँ निगेटिव साइन बता रहा है ना, उल्टी बन रही है h डैश, तो h डैश क्या हुआ, तो साइज ऑफ इमेज इज 8 सेंटीमीटर, देखो इस चीज को, दैट इज साइज ऑफ इमेज इज 8 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई, इतना आपको हमें करके दिखा, फर्स्ट वाला अभी सिर्फ फर्स्ट वाला,
इतना बोर्ड पे दिया, ये गंदा सवाल नहीं है, अभी दो तीन करेंगे, बिल्कुल जरूरी सवाल है, तुम्हें जहाँ जहाँ पूछना है पूछ लो। मैग्नीफिकेशन दो बार निकाला, अगर उसी मैग्नीफिकेशन से एच डैश निकाला, मैग्नीफिकेशन आ गया, तुम ना रखना चाहते तो तुम यहाँ एच डैश बाई फोर रख देते और माइनस 30 बाई क्या रख देते, माइनस 15, ऐसा करके तुम एच डैश निकाल सकते थे, लेकिन वो मैग्नीफिकेशन भी पूछ रहा ना, तो तुम्हें मैग्नीफिकेशन तो निकालना ही था, वैसे भी कर सकते, तो बोलो एच डैश कितना आ जाता, माइनस 2 है तो क्या एच डैश माइनस 8 ना आ जाता, ऐसे भी कर लेते। तो सर वो बोल रहे थे इट इज फॉर्म्ड क्यों लिख रखा है, इट इज फॉर्म, इट इज क्या, अरे गलत गलती से है उसे मत इग्नोर करो, बोलो इट इज फॉर्म्ड, सर आपने एक बार इट इज फॉर्म्ड दो बार लिख दिया, एक बार पूछो तो, अरे भाई इतना तो कॉमन सेंस है, इट इज फॉर्म्ड, अब क्या करें, वो वाला हटा दो ना, एक हां बस क्वेश्चन पूछा होगा क्या, इमेज फॉर्म हो गया, सही है आर की कोई जरूरत नहीं, आर तो हमने पूछा क्योंकि आर नहीं पता होगा तो तुम कहीं बहुत दूर दिखा दोगे, तो सी दिखाना है तो हमें पता होना चाहिए ना, अभी वो 18 सेंटीमीटर पे रखवाता, तो तुम्हें अगर आर नहीं पता है तो तुम सी के बाहर ही रख दो, सी तो दिखाना पड़ेगा ही, आर दिखना जरूरी नहीं है, सी कोई जरूरत नहीं, बट माइंड में होना चाहिए, और इसमें सारे डिटेल होने चाहिए, रे डायग्राम में सब डिटेल होते हैं, हम सब आपको छोड़ कर देंगे, आपको देख के लिखना ही होगा, और गिफ्ट गाइस की डिलीवरी अमेज़न से की जाएगी, आपको आना भी नहीं पड़ेगा, जैसे अंशिका नहीं आ रही, उसके भाई को देंगे हम कभी भी अगर मान लो ऐसा है तो इसके लेफ्ट में सारी चीज होगी, क्योंकि पोल से हम सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे, और न्यूज़ कार्टेशियन कन्वेंशन क्या कहता है कि जो एफ है वो निगेटिव होगा कि नहीं, एफ इज निगेटिव, और चूंकि इस मिरर में जो पैरेलल रेज हैं वो इस पॉइंट से पास होंगी एफ से, तो इस वजह से इसे कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे, क्योंकि ये पैरेलल आने वाली रेस को क्या कर रहा है, बोलो पास कर दे रहा है, तो इस मिरर को क्या कहेंगे, सबको एक जगह कन्वर्ज कर रहा है ना, हाँ इधर एच डैश की यहाँ पे देखो जो आ रहा है, कोई बात नहीं, आपने वो तो कर दिया ना, सही है, चलो यहाँ तक बात हो गई, तो ये मिरर क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, बोलो कॉनकेव मिरर, अगर सिर्फ वो कहे कन्वर्जिंग मिरर तो यही समझ लेना ये कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर, और अगर मान लो ऐसा हो तो इसका एफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, क्योंकि पोल से डिस्टेंस लोगे और उधर लोगे, तो ये एफ है, एफ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो एफ इसमें होता है पॉजिटिव, ऐसा अगला क्वेश्चन है जिसमें एफ कैसा दिया गया है, पॉजिटिव, और ये एक कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा बोलो, डाइवर्जिंग, इतनी बात समझ में आ गई, तो देख लो मान लीजिए कि
हमारे पास एक कॉनकेव मिरर में रे पड़ रही है तो कैसा होगा, और कॉन्वेक्स में पड़ेगी तो कैसा होगा? लेट अस सी। देखो मान लीजिए कॉनकेव में पड़े तो क्या वो रे आपस में मिल जा रही है, इसलिए उसे हमें क्या कह देना चाहिए, कन्वर्ज हो गई कि नहीं। लेकिन अगर मान लो इसका उल्टा हो तो क्या वो आपको फैलती हुई प्रतीत हो रही है? ये देखो, तो इसलिए उसे हमें क्या कह देना चाहिए, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज हो रही कि नहीं, तो ये डाइवर्जिंग मिरर हो गया। और अगर सिंगल रे भी है, देख लो मान लो ऐसा भी हो सकता है ना कि सिंगल रे हो तो कैसे पास करेगी? लेट अस सी इट। तो सिंगल रे का देखें, ये देखो अगर यहाँ पे देखो ये सीधे गई तो ये बाहर भागती प्रतीत हो रही है, तो डाइवर्ज हो रही कि नहीं, तो इसलिए इसे डाइवर्जिंग कहेंगे। और अगर मान लो ऐसे हो दूर से पड़ी तो क्या ये पास आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कैसा हुआ, कन्वर्जिंग हुआ कि नहीं? बोलो बात समझ आ गई? अब देख लो जैसे इसी में हम आपको दिखा रहे हैं, आगे रिफ्लेक्शन भी दिखाएंगे, इसलिए पहले दिखा रहे हैं। सर एसी बढ़ा दो ना कि ये देखिए ये हम लोगों ने नाइन्थ के लिए रखा था, लेकिन फिर भी देख लेते पिंडार इफेक्ट। अगर इसमें लाइट जाए तो रोशनी दिख रही है, उसमें नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब है ये कैसा सलूशन है, हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस निकले उसमें नहीं दिख रही, थोड़ी असुविधा है उसकी वजह से दिख रही है, तरह दिख रही है, दिख रही है, तो कौन पिंडार इफेक्ट दे रहा है? पिंडार इफेक्ट कौन दे रहा है? तो ये कौन सा है, ये हेटेरोजीनियस है, ये बताओ वो उसमें नहीं दिखाई पड़ा ना पास, ये देखो दिख रहा है, तो वो क्या कि पानी उसमें पड़ता रहता है, अशुद्धियां भी दिख रहा है थोड़ा बहुत है, लेकिन वो बिल्कुल अगर सही थोड़ा सॉल्ट डाला जाए अशुद्धियों की वजह से दिख रहा है, दैट इज इम्प्योरिटीज। तो टिंडाल इफेक्ट कौन सा पानी देता है, हेटेरोजीनियस वाटर, तो ये मुझे बता दो दिव्यांगी, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? हाँ, और कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव, किसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है? कॉनकेव की। किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है? कॉनवेक्स की। ठीक है, तो अभी तो कॉनवेक्स का केस है ना, तो आपने कॉनकेव क्यों बनाया? अरे वो बताने के लिए, बताने के लिए ना, वो बस सिंपली कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं है। और मैं ये ना समझा कि तुझे बना दिया, तो इधर वो ने बना दिया, बना भी दियो। अब देखो सेकंड पार्ट देखो, इधर जा लीजिए पी, तो पी में फोकल लेंथ हमें कितनी ले लेनी चाहिए? आप जिसका ये कंपास का यूज नहीं करती हैं इसकी आर बनाने के लिए, सब हैंडमेड प्रोडक्ट है आपके, दैट इज एफ और सी,
ठीक है, तो फोकल लेंथ कितनी दिखानी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये 10 है, इसके इससे थोड़ा ज्यादा ले लो, मान लो 10 इस 10 इतना ले लो और 10 हाफ का थोड़ा सा ज्यादा ले लो, तो फिर 15 हो गया कि नहीं? 15 पर इसको क्या करें, और इसकी 4 सेंटीमीटर हाइट है, तो बोलो जो सीधी रह जाएगी वो कैसी प्रतीत होगी? इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ से चली जाती हुई लगेगी कि नहीं? और बोलिए जो ऑब्लिकली एट 4 गिरेगी वो क्या होगी? क्या वो उसी एंगल पर निकल जाएगी? और देखने वाले को लगेगा ये और ये रे पीछे कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है। दिस अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, सो दिस विल बी हेड ऑफ द एरो। और चूंकि रे पीछे बनी है और वहां रे पहुंच नहीं सकती, इसलिए जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? डॉटेड होगी। तो अब हमें इस वी को निकालना है। वी की डिस्टेंस पोल से ली जाएगी, ये है पोल, तो यहां से डिस्टेंस होगी। तो लेट अस फाइंड दिस डिस्टेंस। अभी मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं इसे निकालूंगा और साथ ही साथ इसकी हाइट भी निकालूंगा। मैंने कुछ डिटेल से यहाँ लिख दिए हैं, ये 15 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ भी लिखी है। समझ में आ गई बात? हाँ, ये भी है क्योंकि ये भी बना है, तो सब डिस्टेंस पोल से ली जाएगी। तो हमने नीचे ले लिया, ऐसा ना कहो यहाँ से ले लो, यहाँ से लेना, ठीक है कि नहीं? ना, अब देखो यूजिंग मिरर फार्मूला, तो 1/v + 1/u = 1/f, सभी रेज में एरो बनेंगे। अब देखें तो 1/v तो नहीं पता है, u कितना होगा? -15, f कितना होगा? प्लस। जब पहली बार वैल्यू रखें, सुन लो, तो प्लस लगाना जरूरी है, फिर अगले स्टेप में प्लस छोड़ दो, f फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम भी लगा लो। हेलो, चलो अब देखो, तो 1/v और -1/15, ये बीच में गया है साइन रिजल्ट है, और 1/10 अब साइन छोड़ दी, अब साइन की जरूरत नहीं है। फिर बोलो 1/v क्या हुआ, और फिर 15 का डबल 30, सो दैट इज 3+, तो ये 5/30 हो गया, तो 1/v = 1/6, तो 1/6 हो गया। अब जैसे ही वी पे आए तुरंत याद कर लो कि प्लस का साइन लगाना है। इससे क्या पता चलता है, जो इमेज बनेगी नेहा वो मिरर के इन फ्रंट ऑफ बनेगी कि बिहाइंड? बिहाइंड, वो तो इन फ्रंट बोल रही है, बनेगी तो लोकतंत्र की पीछे नहीं बनेगी, पोल के इधर नहीं बनेगी, पॉजिटिव लिखा है लेकिन करी हम यूसी से नहीं लगे। हाँ तो कह देनी इन फ्रंट बना है, पता चल गया कि नहीं? आप देखो प्लस है ना, तो न्यू कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या कहता है, यदि प्लस है तो पी के राइट जाओ और माइनस है तो लेफ्ट जाओ, कार्टेशियन सिस्टम है ना, तो हम वही कार्टेशियन सिस्टम लगा न्यू कार्टेशियन सिस्टम। उसमें क्या होता है कि डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन टू राइट इज पॉजिटिव एंड टू लेफ्ट इज नेगेटिव, तुम्हारा पॉजिटिव आया तो बोलो पोल के इधर जाओगे कि इधर? इधर चले गए। अब अगली बात देखिए कि h'/h क्या होता है, सही है? H डैश नहीं पता ना, तो h'/y यहाँ क्या लिखे बोलो दिव्यांगी? हाँ प्लस 4 जरूरी है, और दैट इज माइनस v क्या लिखे? प्लस 6 बोलिए, फर्स्ट टाइम जब भी रखेंगे तो साइन के साथ रखेंगे, और u क्या रखे? माइनस 15, तो उसको -15 रख रहे हैं, तो अब ये निगेटिव इससे कट गया और h' क्या आ गया बोलो? 6 × 4/15, 3 से काट दीजिए, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 8, तो ये 8/5 आ गया कि नहीं? तो h' कितना आ गया?
फाइव वन इज फाइव और थर्टी बचा तो 1.30 तो 1.6 हुआ, लेकिन एच डैश लिखते समय भी प्लस लगाना जरूरी है। तो साइज ऑफ इमेज पता चल गई कैसे साइन, ये देखो ये कह रहे हैं कैसे साइंस हैं जो प्लस ही प्लस है माइनस नहीं आ रहे, बहुत बड़ी बात है। कह रहे ये सारे साइंस प्लस ही क्यों आ रहे हैं। एम इज इक्वल टू क्या लिखे, माइनस वी बाई यू भी होता है क्या? अब मैग्निफिकेशन भी तो पूछा गया है, तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या किया जाए, माइनस वी कितना है प्लस सिक्स और यू माइनस 15, तो इसके लिए क्या किया जाए, दैट इज माइनस से माइनस कट गया और 3 से काटो, 3 2 इज 6 और 3 5 इज, या हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले मैग्निफिकेशन निकाल के फिर हाइट निकाल, कुछ भी निकाल लो, सब एक ही चीज है ना, अपने मन से करें। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप कैसे करें। तो अब हमें ज्यादा लेना देना नहीं, बस सौम्य आप मुझे स्टेटमेंट बता दें। इमेज इज 0.4 and it is virtual and electric. Size of image, ये बहुत बड़ी बात कही है आज की, सबसे बड़ी बात। इन्होंने देखते हुए भी भाई ये सुना था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जनता के हित में, तो 0.1.6 सेंटीमीटर, समझ आया, 1.6 सेंटीमीटर और इट इज फॉर्म्ड, ये कहां मिल रही है, बिहाइंड द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.6 सेंटीमीटर। देखो 6 पे बन रहा था, लेकिन सभी नेता भ्रष्टाचारी हैं। क्यों बोला 1.6, 6 पे नहीं बन रहा था, बोल नहीं सकते थे क्या, खा लिया बाकी परसेंटेज 65% खा गए। सो इट इज फॉर्म्ड, तभी बिहार का ब्रिज गिरा था। It is formed at 6 centimeter behind the mirror. और फिर और नेचर कैसा है, बिहाइंड द मिरर, और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड, और कैसी होगी, यहां से देख के बताओ, 0.4 है, एक से छोटी है, तो ये क्वेश्चन आसान है, ये हाफ बोर्ड में ही आ गया, इसको करके दिखाओ, कौन सा ये वाला हाफ बोर्ड है, वो फुल बोर्ड में आया था। ओ अच्छा, वो भी देखो मैंने इसे छोटा छोटा कर दिया, बात करी सर रुको, ए अरे सर सर वो लास्ट लास्ट साइड पे आ रहा है, क्या ले उड़ा दी सर, वो छोड़ दीजिए डायग्राम, वो लास्ट लास्ट सेंटेंस लिख दीजिए बस, ये देखो इस तरीके से ये, अरे वो उसके, अरे वो नहीं, हाँ यही लिखा हुआ था, दैट इज कॉनकेव मिरर, देखना अरे मैं वो कन्वर्जिंग मिरर, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हाँ वही तो मैं बोलती हूँ, ठीक है, और ये डाइवर्जिंग है, ऐसे नहीं करो, सभी से बोलो, अच्छा हाँ बता दें, जमा करो और बुक से चेक करो क्या आपने ठीक किया।
और ओके देख लो देख लें। सेकंड क्वेश्चन को ही मैं करके दिखा रहा हूँ पहले। हाँ 25 सेंटीमीटर पर रखा है, इस प्लेस है 25 सेंटीमीटर, और जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? बच्चे नहीं देख रहे हैं, दे आर क्वाइट अच्छा ठीक है। F और ये C है, F कितने पर है? 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितने पर है? 20 सेंटीमीटर। ये क्वाइट कॉमन केस है, यही चीज तो दी है, तो हमें पता करना है कि स्क्रीन कहाँ रख देनी चाहिए। तो अब इतना ही बस आपने बना दिया, ये काफी है, क्योंकि आपसे कोई वेन डायग्राम तो पूछा नहीं गया है, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। देख लो सुनो सुनो, अब ये यू क्या है? माइनस 25 सेंटीमीटर, और एफ कितना है? क्या वो भी निगेटिव है? नहीं हाँ, क्या वो भी निगेटिव है? कोल के इधर है। तो अब आप इसमें मिरर फार्मूला यूज करें, 1/v + 1/u = 1/f हो गया। तो 1/v तो v तो नहीं पता है, और u पता है क्या? -25, और f पता है ठीक है। तो 1/v - 1/25 = -1/15, तो 1/v क्या हो गया? -1/25, और देख लो -1/15 और +1/25, यहाँ तक समझ आई? ये चीज में उधर ले लिया, पहले निगेटिव रखा, निगेटिव यहाँ लगाया, फिर इधर भी तो ले लिया। अब 25 का टेबल पढ़ना शुरू करो जब तक दोनों के कॉमन फैक्टर ना आए। तो 75 से यहाँ -5 आ जाएगा, और यहाँ पर तो यानी 1/3 क्या हुआ? देखो सामने बात नहीं करो, दैट इज 75, तो b कितना हो गया? -75/2, तो b कितना हो गया? 37.5 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चलता है? स्क्रीन कहाँ प्लेस करनी चाहिए? यस, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, कितनी बात हो गई? अब मुझे बताओ कि हमारे पास एक और चीज है, बोलो h/h क्या होता है? -v/u, क्योंकि हमें साइज चाहिए, मैग्नीफिकेशन तो पूछ ही नहीं रहा है, तो हम इसी का काम ले, मैं m क्यों निकाले? नहीं तो फिर निकाल लिया तो अच्छा क्या? अब देखो h मैंने नेचर फाइंड करने के लिए h क्या है? h दिया है 4 सेंटीमीटर, +4 लिख लीजिए, क्योंकि पहली बार तो साइन रखना पड़ेगा। और माइनस वी कितना है? तो माइनस आप चाहे तो 37.5 भी लिख सकते हैं ठीक है, और नहीं तो 72/35। और नीचे क्या लिखना है बोलो? -25, ये दोनों ठीक है। अब इसमें एक निगेटिव इससे काट दो ओके, और फोर को कहाँ ले जाओ? -37.5 × 4 और अपॉन 25, ये दोनों 5 से कटेंगे, वो भी कर सकते हैं, लेकिन सुन लो अगर डेसिमल के बाद वाला डिजिट यूज करो तुरंत डेसिमल लगा दो, 5 से करो जरा देखो। अभी अभी समझ में आ जाएगा, देखिए सृष्टि तो 5 7 जा, और जैसे ही तुम डेसिमल के बाद का डिजिट यूज करो यहाँ पर एक डेसिमल और कुछ ही नहीं गई, तो कितना हो गया? 7.5 सही है।
डेसिमल के बाद का अंक यूज करने पर ऊपर क्या लग जाता है? तो ऊपर कितना आ गया बोलो? माइनस 7.5 इंटू 4 और अपॉन 5 से फिर काट दो 1.3 और देख लो 25 बचा तो 1.5 तो माइनस 1.5 15 फोर जा 60 हुआ तो क्या माइनस 6 आ जाएगा क्योंकि 6.0 का सेंटीमीटर अवश्य लगा 0.0 भी लगा रहा है सर 0.0 नहीं आ रहा जरूरत नहीं 6 ही लिख दो माइनस 6 सेंटीमीटर इससे क्या पता चला कहां से फिर से बताएं सर मैग्निफिकेशन निकालना वहीं से बताएं कुछ नहीं मैंने 25 था ना ये मैंने f ले लिया मतलब 15 ले लिया 25 का अच्छा तो ये अब हम क्या लिखें तो क्या हुआ साइज ऑफ इमेज क्या हुई बोलो मैग्निफिकेशन निगेटिव साइज है नेचर निगेटिव साइन से नेचर पता चलता है रियल एंड इन्वर्टर और जो वैल्यू है उससे साइज पता चलता है वो इन लार्ज के लिए क्या है वो तो मैग्निफिकेशन से पता चलेगा ना हां देख नहीं रहा है चार की छह बन गई अभी भी इन लार्ज में डाउट है चार सेंटीमीटर का पेन था छह का दिख रहा है तो मैं डाउट है इन लार्ज है और पहले वाले में चार था तो आठ दिखा था तो इन लार्ज हो गया था और सेकंड में फोर की जगह 1.6 नहीं हुआ था तो डिमिनिश हो गया अब उससे छोटा बने तो डिमिनिश उससे बड़ा बने यही तो और कौन सा सिस्टम है सीखने का मैग्निफिकेशन की क्या जरूरत है साइज से कंपेयर कर लो और निगेटिव है तो नीचे बन रहा है और फिर वो रियल एंड इन्वर्टेड है अगर प्लस में आ गया एक्सप्रेस तो ऊपर नहीं बन रहा है वो भी तो बता देता है तो इसलिए साइज ऑफ इमेज क्या होगी इज 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर अब और क्या लिखते हैं इमेजेस क्योंकि नीचे बन रहा है रियल एंड सही है तो इमेज इज एंड ये भी सही है गलती से साइज माइनस 6 लिख दी तो मतलब साइज ऑफ इमेज इज माइनस 6 सेंटीमीटर ऐसा नहीं होता एंड उसकी जगह आप लिख दें यहाँ पर बात हो गई ये कह दो इन्वर्टेड है उसके बाद लिख दिया जाता है इंटरसेप्ट में लिखा ऐसा कहीं बुक में भी नहीं लिखा कि निगेटिव है तो उसको बताना पड़ता है अब जरा पहला क्वेश्चन सुनो कि ये कार है ये देख लो अब कार के यहाँ पे एक रियर व्यू मिरर है और पीछे इसके एक ट्रक आ रही है लोडर ठीक है ये ड्राइवर बैठा हुआ है तो इस तरीके से ये जो कार है इसके रियर व्यू मिरर में ये कितनी दूरी पर दिख रहा है वहां देखो ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर तो 5 मीटर यहां से ये डिस्टेंस किसकी हुई बोलो यू की माइनस 5 और बोलो वी क्या है हाँ बोलो फिर से समझो क्या तुम्हारे कार में एक ऐसे मिरर होता है जो पीछे का दिखाता है उसको कहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर होता है तो दैट इज रियर व्यू मिरर अब ये देखिए पार्श्व दर्श्य दर्पण दैट इज रियर व्यू मिरर अब यहां से आपने पीछे की ट्रक कितने पे देखी वहां देखो 5 मीटर उसका खुद का कर्वेचर क्या है 3 मीटर का मतलब है उसका खुद का कर्वेचर 3 मीटर है तो उसका एफ क्या है 1.5 भाई आर तो +3 है नेहा कि माइनस में 3 है +3 इधर है ना तो एफ कितना हुआ 3/2 कुछ भी लिख सकते 1.5 प्लस का इतने मीटर हुआ एफ दिया है और फिर यू भी क्या है बोलो -5 यू भी दिया यू और भी दिया ना यू टू और एफ है देख लो भी दिया ही नहीं है तो सर वी निकालना अब देखो मान लीजिए हमको यू और एफ दिया तो भी निकाल लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में तो बोलो 1/v प्लस 1/u क्या होता है 1/f तो 1/v क्या हो गया by f minus 1/u अब इसी में वैल्यू ट्रांसफर करो
1/f कितना है? 1.5 और -5 का टेबल करना शुरू करो जब 1.5 कवर हो जाए रुक जाना। 5 1 is 5, 5 2 is 50, 10 5 3 is 15 कवर हो रहा है। अब बताओ 1.5 से डिवाइड करो, इससे अच्छा ऊपर दशमलव लेके जाओ। वो भी आपकी बात है, 3/2 वैसे मैंने 5 करे 1.5 से इसमें डिवाइड करो 10 आ जाएगा। हां नहीं आ गया तो 10 आ गया। अब इससे करो तो कितना आ गया? ये दो नेगेटिव है तो वैसे कर दो। बात देखिए ये वाली चीज है इसके साथ साइन है तो साइन डाल दे इसमें, कोई बात नहीं। अब देखो ये मुझे बताओ f कितना है? क्या 3/2? अब तो बात सही है। और u कितना है? -5। बोलो सृष्टि समझ में आई बात? और 2 को ऊपर नहीं जा सकती हो? और ये +1/5 बार ठीक लग रहा है 3/2 तो नीचे 3 बार यहाँ तक सही है। तो 3 और 5 से कितना आया? 3 5 15 और 5 2 5। अब ये सही है 12/15 आ गया, लेकिन ये तो 1/3 आया, 3 आ गया। तो इस तरीके से ये तो 1/3 आया ना, तो ये मुझे बताइए फिर v कितना आ गया? प्लस मत भूलो, तो v कितना हो गया बोलो? 13 से करो, 13 1 is 13 और कितना आया बोलो? 2 आया, तो 13 1 is 70 तो 13 5 65 13 54 तो 1.15 तक आपके बुक में दिया है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो 1.15 ओके आगे की बात वी आ गया। अब क्या कह रहा है? फाइंड पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो साइज के लिए क्या करोगे? h'/h = -v/ ये मत रखो क्योंकि ये खुद ही इरोनियस है, इसमें इरर है, इरर है ना, तो ये त्रुटिपूर्ण है। क्यों ना हम ये रखें ये वाली, ये बिल्कुल सही वैल्यू है। तो अब मैं बताओ h' की जगह क्या रखूं? फाइंड पोजीशन कुछ आपके में लिया है तो साइज कह रहा बस साइज नहीं दिया, एम निकालना है। जब उसका साइज नहीं दिया तो हम ये पता कर देंगे कि उसका फैक्टर कितना है, डिमिनिश्ड है कि बड़ा। चलो ये मुझे बताओ वी की जगह क्या रखूं? 15/15 अच्छा ठीक है 15/13 और यू की जगह देख लो -5 रख दे, ये दोनों कट गए। ऊपर की चीज सरक जाती है जिसे ये बात ना पता हो तो फिर ऐसे करें। अब तो ठीक है ये सही ना, मतलब डिवीजन के साइन के साथ ले लिया। तो फिर आगे क्या हुआ? 15/13 × 5 से इसे कट करो, 13 को ऊपर लिखने की जगह नीचे ही लिख देते हैं। देखो ये ऊपर की चीज सरका दो या दिस बाई दिस तो दोनों में कुछ भी चलेगा। तो 3/13 है, अब 13 से 3 में करो तो 13 2 जा 40 आ गया, तो 13 3 जा तो कितना आ गया बताओ? +0.23। प्लस का क्या मतलब है? तो क्या ट्रक सीधी दिखेगी या बस सीधी दिखेगी? तो इमेज इज वर्चुअल साइज इज रिड्यूस्ड बाई फैक्टर। बुक में पढ़ो क्या लिखा है लास्ट लाइन, 13 को 3 से किया है फिर डेसिमल लगा जीरो बढ़ा, फिर से देखो 13 से 3 को किया डेसिमल लगा दिया जीरो। तो क्या लिखोगे कि इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड साइज इज रिड्यूस्ड बाई ए फैक्टर 0.23। क्या ऐसा ही लिखा है बुक में? दैट इज इसका साइज जो है ना इंक्रीज्ड बाई ए फैक्टर ऑफ 2 यानी डबल हो जाएगा और रिड्यूस्ड बाई ए फैक्टर दिस यानी इससे मल्टीप्लाई करो साइज पाओ।
तो संध्या काल के सत्र में हम इसी सवाल को करेंगे। तुम संध्या को नहीं जानती?